नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है। करंट अफेयर की सीरीज प्रारंभ हो चुकी है और यह करंट अफेयर की जो सीरीज है यह आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई थी उसकी परीक्षा अगस्त में संभावना है कि इसकी परीक्षा हो जाए। UPSC 51 का MP असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके बहुत सारे आवेदन लिए जा चुके हैं, कुछ आवेदन बाकी है, लोग आवेदन दे रहे हैं। MP असिस्टेंट प्रोफेसर की संभावना है इस परीक्षा का सितंबर माह में, इसका भी संभावना है MP असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो दोनों परीक्षाओं की अपार संभावना है और दोनों की तैयारी कराई जा रही है। पेपर वन की UP और MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। PCS पाठशाला एक ब्रांड है, जान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराने के लिए PCS पाठशाला प्रतिबद्ध है। आप सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तत्काल में, इस समय जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हों, UPSC के थ्रू निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हों, या उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में जो वैकेंसी निकलेगी उसकी तैयारी कर रहे हों, आप टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। PCS पाठशाला का टेलीग्राम बनाया गया है, लगभग 2300 मेंबर्स टेलीग्राम पे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। UGC नेट क्वालिफाइड है, वो सभी गंभीर है, प्रतियोगी हैं, आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और देखिए पेपर वन के लिए कंप्लीट कोर्स है 999 रुपये का, जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऊपर दिया हुआ है ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये का कोर्स है। 100% आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला है, एक करंट अफेयर की श्रृंखला है। 100% जो प्रश्न आने की संभावना होती है वो PCS पाठशाला प्रोवाइड कराता है। PCS पाठशाला आपको बेहतरीन परिणाम देगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा होने तक अगर आपने PCS पाठशाला को फॉलो किया है तो। एक बात और लास्ट में बोलना चाहूंगा कि यह 999 रुपये का कोर्स है, पेपर वन के लिए है, UP और MP के लिए। लेकिन जिनका सब्जेक्ट इतिहास का है, मैं बता दूं मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हूं और असिस्टेंट प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, तो जो लोग इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास विषय जिनका है मुख्य विषय, वह लोग हमसे जुड़ सकते हैं। उनका जो इतिहास विषय की तैयारी है वह 1499 रुपये का कोर्स है, उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे नज़रअंदाज करना अपने आप में बहुत बेमानी होगी। PCS पाठशाला पढ़ाता ही नहीं है, घोल कर पिला देता है, ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपी टैग मिला है? किस राज्य का कांगड़ा चाय है जिसको यूरोपी टैग मिला हुआ है? या किस राज्य का कांगड़ा चाय है जिसको यूरोपी टैग मिला हुआ है? तो देखिए चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। आपको बता है कि हिमाचल प्रदेश में ही तो कांगड़ा है, कांगड़ा पहाड़ी है, तो कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश का फेमस है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को क्या मिला है? GI टैग मिला है, GI टैग मिला है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय को विदेशों में पहचान मिली है, यूरोपीय संघ ने कांगड़ा चाय को GI टैग दिया है, इससे यूरोपीय संघ देशों में हिमालय के चाय की विशेष पहचान बनेगी, हिमालय की चाय की विशेष पहचान बनेगी। हिमालय की कांगड़ा चाय को पोषक तत्वों से क्या होती है, भरपूर होती है, कांगड़ा चाय में पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इनकी पत्तियों में देखिए 13% क्या होता है, कैरोटीन होता है, 3% क्या होता है, 3% क्या होता है, कैफीन होता है, और एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। ये ब्रेन को, ये मस्तिष्क को क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। रिपोर्ट के अनुसार कांगड़ा घाटी में सफ़ेद उलोंग और काली चाय की खेती होती है, सफ़ेद चाय की खेती होती है, उलोंग चाय की खेती होती है, काली चाय की खेती होती है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला में कई स्थानों पर कांगड़ा चाय बोई जाती है। तो यह सब बातें तो कांगड़ा चाय के बारे में बताया गया है, उस कांगड़ा चाय के बारे में बताया गया है जिसे GI टैग मिला है, कि कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बोई जाती है, इसे यूरोपीय संघ ने क्या दिया है, यूरोपीय संघ ने इसे GI टैग दिया हुआ है, ठीक है। और 13% इसमें क्या होता है, कैरोटीन होता है, 3% क्या होता है, कैफीन होता है, ध्यान रख सकते हैं। इसे बहुत रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। 13% क्या होता है, कैरोटीन होता है, 3% कैफीन होता है, इम्यूनो एसिड पाया जाता है, और इसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, ठीक है, ये सब बातें हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश
तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? देखिए, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय जो है वह BEL के साथ, BEL बिल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। और BEL क्या बनाएगा? BEL बनाएगा प्रोजेक्ट आकाश तीर, आकाश तीर बनाएगा, आकाश तीर बनाएगा और रक्षा मंत्रालय को देगा। BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो क्या है, रक्षा मंत्रालय को सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली करेगा, ठीक है। और यह आकाश तीर क्या है, यह दुश्मन के आकाश, आकाश अगर कोई दुश्मन का कोई कुछ भी आएगा, अगर आकाश से कुछ भी बम मिसाइल आएगा तो उसे क्या करेगा, आसमान में ही मार गिराएगा। तो रक्षा मंत्रालय क्या है, आकाश तीर बनवाएगा किसे, BEL के साथ, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डील इस बात की हुई है कि BEL भारतीय सेना के लिए ऐसा सिस्टम बनाकर देगा कि दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए BEL को कितना मिला है, 1982 करोड़ आवंटित हुआ है। भारत सरकार 1982 करोड़ BEL को दिया है किसके लिए, आकाश तीर बनाने के लिए। और यह आकाश तीर किसको मिलेगा, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को मिलेगा, ठीक है। तो यह जान लीजिए कितना करोड़ रुपया आवंटित हुआ है, 1982 करोड़ आवंटित किया गया है। BEL के साथ समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका नाम है और इसका मुख्यालय कहाँ है, गाजियाबाद में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न तीन देखिएगा, हाल ही में US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? मैं आप लोग को बता दूं, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ PCS पाठशाला आपको पढ़ाता ही नहीं है, घोल कर पिला देता है। ध्यान रखिएगा, हम आपको जो भी प्रोडक्ट देंगे बेहतरीन देंगे। बहुत कम समय है मित्रों, बहुत कम समय है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं UP से और MP से तो गांठ बांध दीजिए, बस 3 से 4 माह है। 3 से 4 माह में बहुत ज़्यादा कह दिया, आप 2 से 2.5 माह ही समझिए रिजर्व में अपने पास, और 2 से 2.5 माह में आप करो या मरो का नारा दे दीजिए। परीक्षा में बेहतरीन परिणाम मिलेगा, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसके ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ क्या है US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई हुई हैं, वह देश कौन सा है, क्या जापान है या फिर चीन है या भारत है या फिर UAE है मतलब संयुक्त अरब अमीरात है। तो ध्यान रखिएगा, चीन है। चीन वह देश है जो US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश बना हुआ है, मतलब चीन की यूनिवर्सिटियाँ, देखिए US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 200 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्हें टॉप यूनिवर्सिटी माना गया है पूरे विश्व में, और उन 200 यूनिवर्सिटियाँ में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी किस देश की है, चीन की है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, देखिए US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश चीन बना है। चीन की पिकिंग यूनिवर्सिटी ने, देखिए चीन की जो पिकिंग यूनिवर्सिटी है इसने इस लिस्ट में टॉप किया है, और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ किस देश से, देश की सिलेक्ट हुई है, चीन की। इसमें कितनी यूनिवर्सिटियाँ सिलेक्ट, कितनी US यूनिवर्सिटी में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, 200 यूनिवर्सिटियाँ हैं। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ किस देश की सिलेक्ट हुई हैं, चीन की सिलेक्ट हुई हैं। सबसे पहले टॉप पर कौन थी, कौन यूनिवर्सिटी है, चीन की पिकिंग यूनिवर्सिटी, चीन की पिकिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी ने, इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी ने QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के 19 टॉप संस्थानों को टॉप 200 लिस्ट में शामिल किया है। अब आप भारत की कितनी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हुई हैं टॉप 200 में, 19, ठीक है। सबसे आगे, अब उन 19 में सबसे आगे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे रही है। लेकिन बहुत खेद की बात है कि भारत की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी भी है वह विश्व की 40वें स्थान पर है, विश्व की 40वें स्थान पर प्राप्त हुई है, ठीक है। 46वें स्थान पर कौन है, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली है, ठीक है। इस बार की लिस्ट सबसे खास बात यह है कि हर साल से अधिक संख्या में इस क्यू यूनिवर्सिटी, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट में इंडियन यूनिवर्सिटियाँ शामिल हुई हैं, मतलब पहले की अपेक्षा तो और पूरा प्रदर्शन था, लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति सुधरी है कि टॉप 200 में 19 यूनिवर्सिटियाँ भारत की सिलेक्ट हुई हैं, जिसमें 40वें नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और 46वें स्थान पर IIT दिल्ली रही है, ठीक है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में
एकेडमिक्स इंटरनेशनल स्टूडेंट की परसेंटेज आदि के आधार पर तैयार किया गया है। अब देखिए इसका मापदंड क्या है, ये जो क्यूएस रैंकिंग किया गया है इसका मापदंड क्या है, मतलब किस यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ा माना गया है, सबसे छोटा माना गया है, तो क्या मापदंड है। देखिए एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर मापा गया है और इंटरनेशनल स्टूडेंट की परसेंटेज के आधार पर मापा गया है, मतलब किस यूनिवर्सिटी में कितने अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस आधार पर कितने मतलब दूसरे देश के छात्र पढ़ रहे हैं, इस आधार पर किसी यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता को मापा गया है, यह है बात। प्रश्न चार देखिएगा, अब देखिए यही है प्रश्न, कितना छोटा है कि क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है, लेकिन आप देख लीजिए इसी में कम से कम 6 से 7 फैक्ट हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न चार देखिएगा, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, क्या नई दिल्ली में हुई है या फिर आपका चंडीगढ़ में हुआ है कि अहमदाबाद में हुआ है फिर गांधीनगर में हुआ है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण का जो बैठक हुआ है वह गांधीनगर में हुआ है, गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, अब देखिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का नाम भी जान लीजिए, ये इस मीटिंग में हिस्सा लिए थे, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा और संचार राज्य मंत्री का नाम भी आप जान लीजिए, संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने बैठक का क्या किया है, उद्घाटन। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने इस बैठक का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और तीन दिन की यह बैठक थी जिसमें 20 सदस्य देशों, अब यह बैठक कितने दिन चली थी, सिर्फ 3 दिन चली थी, और इसमें कौन शामिल होगा आप जानते हैं, इसमें कौन शामिल होगा, अरे जब G20 का बैठक है तो G20 के सभी सदस्य देश शामिल होंगे, G20 के सभी सदस्य देश शामिल होंगे क्योंकि G20 की बैठक है, और इसमें कुछ देशों को आमंत्रित भी किया जाता है, तो आमंत्रित देश भी शामिल थे, और साथ ही साथ 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को हुआ, यूनिसेफ हुआ, WHO हुआ, इस तरह के 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लिए थे, G20 के सभी सदस्य देश, आमंत्रित देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए थे। यह 3 दिन की बैठक थी, इसी में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री जी को शायद अवसर समय न रहा होगा, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा इसमें शामिल हुए थे, संचार राज्य मंत्री देवी सिंह चौहान शामिल हुए थे। यह बैठक कहाँ हुई थी, गुजरात के गांधीनगर में हुई थी, यह बात है ध्यान रखिएगा। अब इस बैठक के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई थी, ठीक है, जिसमें सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लचीली बुनियादी ढांचे, आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रणाली, ठीक है, ये सब बातें थी। तो आपदा जोखिम का मतलब क्या है, जो आपदा आ रही है, जो बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, ठीक है, बाढ़ भूकंप या जो भी आपदाएं आ रही हैं, जो भी आपदाएं होंगी, ठीक है, इन आपदाओं को जोखिम को कम किया जाए, तो यही इसी का मतलब क्या होता है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, मतलब आपदाओं से जोखिम कम हो। प्रश्न 5 देखिएगा, हाल ही में किस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर माइक्रो पे लॉन्च किया है, पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर माइक्रो पे लॉन्च किया है, वह कौन सा देश है, तो पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर माइक्रो पे लॉन्च किया है वह कौन सा बैंक है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने क्या किया, पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर माइक्रो पे लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक। अब देखिए व्याख्या देखिएगा, एक्सिस बैंक ने माइक्रो पे नामक एक अभूतपूर्व भुगतान समाधान को रोजर पे और माइपिन पैड द्वारा तकनीकी भागीदारों एजिटेक सहयोग से शुरू किया है। माइक्रो पे जो होता है एक पिन ऑन मोबाइल समाधान है जो एक व्यापारी के स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है, एक अद्वितीय ग्राहक अनुभव प्रदान करता है एवं डिजिटल भुगतान को सरल बनाता है। तो यही जान लीजिए ये डिजिटल भुगतान के लिए होता है, व्यापारियों के लिए होता है, ठीक है, और इसको किसने शुरू किया है, एक्सिस बैंक ने शुरू किया है, जैसे फोन पे पेटीएम आदि होता है ना, वैसे एक्सिस बैंक ने शुरू किया है, लेकिन यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यह व्यापारियों के लिए, डिजिटल भुगतान के लिए आदि है, ठीक है, ऐसे करके। प्रश्न 6 देखिएगा,
हाल ही में अग्निवीरों की पहली बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ शामिल हुई? ये जो अग्निवीरों की भर्ती आई हुई थी, अग्निवीर की वैकेंसी आई हुई थी, उन लोगों के लिए खास है, बिल्कुल खास है। यहाँ पर देख सकते हैं जो अग्निवीर की वैकेंसी आई हुई थी, जिस पर बहुत सारा हंगामा भी हुआ था, कई सारे लोग यह भी आरोप लगाते रहे थे कि अग्निवीर से काफ़ी जो बेरोजगारी है वो जारी कम नहीं हुई, ऐसा कुछ था। तो जो भी अग्निवीरों की वैकेंसी आई हुई थी, अग्निवीरों की वैकेंसी नौसेना के लिए, तो पहली बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ शामिल हुई है, कहाँ संपन्न हुई है, कहाँ आयोजित की गई है? तो अग्निवीरों की पहली बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित की गई? तो यह कहाँ आयोजित की गई? INS चिल्का, INS चिल्का। चिल्का कहाँ है? चिल्का उड़ीसा में है, चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, ठीक है, ऐसे करके। तो INS चिल्का में यह आयोजित की गई अग्निवीरों की पहली बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित की गई? INS चिल्का में, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे ने 28 मार्च को, कौन सा डेट था, 28 मार्च था, 28 मार्च को उड़ीसा के INS चिल्का में अपनी पासिंग आउट परेड को जश्न मनाया, ठीक है। कौन सा डेट था? 28 मार्च था। कहाँ? उड़ीसा के INS चिल्का में। कितने अग्निवीर थे? 2585, ठीक है। देखिए, जो परेड हुआ था दक्षिणी नौसेना के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, दक्षिणी नौसेना के तत्वाधान में। अब इसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना रहेगा तो आप नौसेना ही जान लेगा, नौसेना के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। परेड की जो समीक्षा किसने किया था? नौसेना के प्रमुख कौन होते, एडमिरल कहा जाता है, तो एडमिरल आर हरि कुमार थे। और नौसेना अध्यक्ष ने माननीय संसद सदस्य पीटी उषा भी उसमें शामिल थी। फिर प्रख्यात खेल हस्ती मिताली राज शामिल थी और प्रख्यात नौसैनिक दिग्गजों की उपस्थिति में इस परेड को शामिल किया गया था। इस परेड में क्या थे? लगभग 272 महिला अग्निवीर भी थी, मतलब 2585 अग्निवीरों में 272 क्या थी, 272 महिला अग्निवीर भी थी। यह देखिए, यह दोनों संख्या आप जो ध्यान रखिएगा, 2585 अग्निवीर में 272 महिला अग्निवीर थी। इसमें कौन शामिल हुआ था? एडमिरल आर हरि कुमार शामिल हुए थे और पीटी उषा और मिताली राज भी शामिल हुई थी। यह बैठक कहाँ, यह जो परेड हुआ था कब हुआ था? 28 मार्च को हुआ था। कहाँ हुआ था, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, INS चिल्का में। प्रश्न 7 देखिएगा, हाल ही में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? हाल ही में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए, जितने भी आप जानते हैं कि भारत में बहुत लंबी लंबी रेलवे लाइन है, बहुत बड़ी रेलवे प्रणाली है भारत की, दूसरा या तीसरा लंबी बड़ी रेलवे प्रणाली है पूरे विश्व में, ठीक है, भारत की। तो भारत में बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन तो सब जानते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेशन भी भारत में बहुत सारे हैं। तो उन स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू किया गया है। उन छोटे छोटे स्टेशनों के विकास के लिए, उसके डिजिटलीकरण के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू किया गया है। और उसके लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, जिसको अमृत भारत स्टेशन योजना से जोड़ा जाएगा, कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, 1175, 1275, 1375 या फिर 1475। तो ये आपका 1275, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। अब यह रेल मंत्री कौन है? अश्विनी बैफड़ाव ने 29 मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी पहचान की जानकारी दी। मतलब लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी बैफड़ाव ने कहा है कि 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है और उसका क्या किया जाएगा, उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पित करती है। केंद्रीय रेलवे मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी। यह अमृत भारत जो स्टेशन योजना से शुरुआत की गई थी दिसंबर 2022 में, ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? आगामी वर्षों के दौरान 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशन के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है और सुविधाओं को क्या करना है, सुविधाओं को बढ़ाकर इसे मास्टर प्लान को लागू करना है। प्रश्न 8 देखिएगा, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े प्रदूषकों को अपने उत्सर्जन में कटौती करने के लिए कानून पारित किया है? जो आप जानते हैं किसी भी देश में बहुत बड़े 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 उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, ठीक है। उन उद्योग धंधे अगर लगते हैं, कुछ भी संस्थान बनते हैं, संस्थाएं होती हैं, उद्योग लगते हैं,
तो कुछ मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है प्रदूषण भी बढ़ता है। तो किस देश ने सबसे बड़े प्रदूषकों को, मतलब जो ऐसे संस्थान, जो ऐसे उद्योग जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो ऐसे किस देश ने सबसे बड़े प्रदूषकों को अपने उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक कानून पारित किया है, ठीक है? क्या वो अमेरिका है, या फिर वो भारत है, या फिर इंग्लैंड है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कानून पारित किया है, ऑस्ट्रेलिया ने कानून पारित किया है कि वहां के जो भी प्रदूषक हैं, प्रदूषक लोग हैं, प्रदूषक संस्थान है, उद्योग हैं, वो अपने उत्सर्जन में क्या करें, कटौती करें। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कानून पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार क्या हुआ, इस विधेयक के अनुसार ग्रीन हाउस प्रदूषक को अपना उत्सर्जन क्या करना होगा, अपना उत्सर्जन कम करना होगा, और कार्बन क्रेडिट के लिए भुगतान करना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अगर आप कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करेंगे तो उसके लिए भुगतान करना होगा, ठीक है? प्रशासन के अनुसार 2005 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन को 43% तक कम करने के लक्ष्य, मतलब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने माना है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, उत्सर्जन को, मतलब प्रदूषण के उत्सर्जन को 43% तक कम करेंगे। नया सुधार 1 जुलाई से प्रभावी होगा। ये जो सुधार है ये कब से प्रभावी होगा, 1 जुलाई से प्रभावी होगा, 1 जुलाई 2023 से यह नियम बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की 215 सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली सुविधाओं को उत्सर्जन को प्रतिबंधित करेगा। यह प्रदूषण फैलाने वाली सुविधाओं को हर साल अपने उत्सर्जन का 4.9% का, ये इतना बहुत जरूरी नहीं है। देखिए ये सब बातें रहती हैं, समझने के लिए रहती हैं, आप जानते हैं कि किस चीज को आपके अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है? बस यह ध्यान रखिएगा, यह किस देश ने यह कानून पारित किया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया है, ध्यान रखिएगा। और यह ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य क्या है, 2030 तक 43% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य है, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यह भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ही 2012 में कार्बन टैक्स लगाया था, और उद्योगपतियों पर, उद्योगों पर जो उत्सर्जन कर रहे हैं ज्यादा कार्बन का, उन पर कार्बन टैक्स भी ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था 2012 में, तो यह चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न 9 देखिएगा, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य का स्थापना दिवस 30 मार्च को है और मनाया था? राजस्थान, राजस्थान के गवर्नमेंट, और राजस्थान जो है यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, ठीक है? तो देख लीजिएगा, 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस या राजस्थान राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? इस साल राजस्थान अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। राजस्थान का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को भारतीय डोमिनियन, मतलब भारतीय संघ के साथ राजपूताना राज्य का क्या हुआ था, विलय हुआ था, ठीक है? जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जो थे वो 30 मार्च 1949 को क्या बने थे, राजस्थान के राज प्रमुख बने थे, राज प्रमुख बने थे। और हीरा लाल शास्त्री जो थे राजस्थान के क्या बने थे, पहले मुख्यमंत्री बने थे, हीरा लाल शास्त्री। इनका औपचारिक उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, मतलब राजस्थान का जो औपचारिक उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में देख लीजिए, राजस्थान के बारे में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, यह सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में राजस्थान का स्थान 7वां है, क्षेत्रफल में पहला है, और जनसंख्या के मामले में राजस्थान का स्थान क्या है, 7वां स्थान है। राजस्थान जो है पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी क्या है, जयपुर है, ठीक है? राजस्थान का अर्थ क्या है, राजाओं की भूमि। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व आदि कहाँ है, राजस्थान में है। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, हाल ही में गिरीश बापट का निधन हुआ है, ये किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, गिरीश बापट तो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, बहुजन समाजवादी पार्टी, शिवसेना, या भारतीय जनता पार्टी, या समाजवादी पार्टी? तो गिरीश बापट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। देखिए, गिरीश बापट का हाल ही में निधन हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूरे से सांसद थे। इन्होंने 1995 से 2019 तक लगातार 5 बार कस्बा पेठ विधानसभा से प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है? बाकी ये सब बहुत जरूरी नहीं है, दिमाग में रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्या थे, वरिष्ठ नेता थे, या जिनका जो संसदीय क्षेत्र था क्या था, पूरे था, ध्यान रखिएगा, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है मित्रों? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जो भी करंट अफेयर है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है एमपी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह बात जान लें, मैं यह जो भी यह जो सुविधा है मैं यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे रहा हूँ, लेकिन सभी अगर आप तैयारी नहीं भी करते हैं यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तभी यह करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।